इस खेल में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। 18 प्लस ओनली। हेलो मृदा साजी, एक और नई वीडियो में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में खेलने वाले उधर फिर से एविटर गेम, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिर से ऐसी ट्रिक जिसका इस्तेमाल करके भाई बहुत तगड़ा पैसा छापने वाले। तो भाई देखो, मेरे पास था भाई 4,050 रुपये के लगभग बैलेंस, और मैंने पूरा का पूरा अमाउंट डाला और भाई इधर 1.5x पे कैश आउट करके 2,000 से भी ऊपर का प्रॉफिट निकाली है सिर्फ और सिर्फ एक बार में। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना भाई जो बिल्कुल ही सेफ रहने वाली है, और पूरे YouTube पे ऐसी ट्रिक आपको कोई भी नहीं बताएगा। स्टार्टिंग में तो मैं रिस्क लेके पूरा अमाउंट डाल रहा हूँ, लेकिन जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा भाई इतनी ज़्यादा सेफ है ना भाई, आप खुद देख लेना मतलब। तो इस बार मैंने फिर से रिस्क लिया और भाई फिर से पूरा अमाउंट डाल दिया और फिर से कैश आउट करेंगे 1.5x पे। 1.5x पे कैश आउट करने का बहुत तगड़ा रीज़न है, अगर आप वो जान लोगे तो भाई आप कभी 5x 10x 20x इस चक्कर में नहीं पड़ोगे, ठीक है। तो चलो, इस बार हम फिर से बिन कर चुके हैं, तो अब मैं सीधा आपको ट्रिक समझाना स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ मैं कह पैसा एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर लेना ब्रदर, बेस्ट एप्लीकेशन है। इस गेम की जो इस एप्लीकेशन में बिनिंग होती है भाई, कोई दूसरा एप्लीकेशन इतनी बिनिंग कभी भी नहीं करवा सकता। और भाई अगर आप वेबसाइट्स वगैरह में खेलते हो भाई आज ही बंद कर दो, क्योंकि मैं भी पहले वेबसाइट्स में ही खेलता था। पहली बात तो आपका वेबसाइट में कभी प्रॉफिट नहीं होगा, और दूसरी बात वेबसाइट में कभी प्रॉफिट हो भी जाएगा तो वेबसाइट कभी भी भाग जाती है। इसीलिए मेरे भाई आपको कभी भी वेबसाइट में नहीं खेलना, आपको हमेशा एप्लीकेशन में खेलना, और बेस्ट एप्लीकेशन की लिंक ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ भाई, सबसे बढ़िया एप्लीकेशन उधर, ठीक है। तो चलो भाई पूरी स्टेप्स बताना मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। स्टेप नंबर वन भाई, हमेशा एप्लीकेशन में खेलना भाई, स्टेप नंबर वन यही रखूंगा, और भाई सबसे बड़ी रिक्वेस्ट मेरी यही है एप्लीकेशन में खेलना भाई कभी प्रॉफिट नहीं करवाओ। स्टेप नंबर टू, हमेशा आपको 1.5x पे कैश आउट करना, क्योंकि अगर आप 1.5x पे कैश आउट करोगे ना भाई आप बिल्कुल ही ज़्यादा सेफ रहोगे, क्योंकि 1.5x सबसे ज़्यादा सेफेस्ट पैरामीटर माना जाता है भाई, सबसे ज़्यादा सेफेस्ट पैरामीटर भाई कैश आउट करने के टाइम, क्योंकि इस टाइम पर भाई बहुत 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 कम कैश होता है, मतलब ईजिली 1.5x ऊपर चला ही जाता है अगर हम सेफेस्ट पैरामीटर के बारे में बात करें तो। स्टेप नंबर थ्री, हमेशा आपको लेवल अप करके खेलना है। जैसे भाई देखो, स्टार्टिंग में मैंने रिस्क लिया, बाकी अभी मैं 2000 अमाउंट लगा रहा हूँ भाई, ठीक है। 2000 का अमाउंट लगाऊंगा 1.5x पे कैश आउट करूंगा, और भाई 2000 के अमाउंट लगाने पे 1.5x हमारा 1000 का हर बार प्रॉफिट होगा, ठीक है। 1000 का मेरा हर बार प्रॉफिट होता जाएगा, एक बार भी मेरा कटा तो भाई 2000 ही कटेगा। अगली ही बार भाई मैं लेवल अप करके 4000 का अमाउंट डाल दूंगा, ठीक है। 4000 अमाउंट का 1.5x होता है ब्रदर 2000, मतलब एक बार में पूरा रिकवर। और अगर फिर से कट गया तो अगली बार 8000 डालूंगा। इस तरीके से कम आपके पास 3 लेवल तो रहने ही चाहिए, और अगर आपके पास भाई 3 लेवल मतलब अगर आप 4 लेवल मेंटेन कर सकते हो भाई बेस्ट है। बाकी देखो बैलेंस मैटर नहीं करता भाई, देखो मैं इतना हाई अमाउंट लगा रहा हूँ, इतना आपको लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे भाई 4-5 मिनट वीडियो बनाना है, इसलिए इतना हाई अमाउंट लगा रहा हूँ आपको, जितना बैलेंस उससे लेवल अप कर लिया करो। जैसे कि अगर आपके पास भाई मैं मान के चलूं 1500 बैलेंस भी है ना, आराम से भाई 200 रुपये से खेलो, ठीक है। 200 रुपये से खेलोगे हर बार 100 का प्रॉफिट निकलो भाई, 100 का प्रॉफिट कम नहीं है हर बार की बात करें भाई, आपके पास दिन भर पड़ा है, ठीक है, हर बार 100 का प्रॉफिट निकलेगा। एक बार भी कटा तो भाई आपका 200 कटेगा, अगली बार भाई 400 डाल दो, एक बार में ही रिकवर भाई, ठीक है। 1.5x पे ही कैश आउट करना, फिर से कट गया भाई 800 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से आपको 3 से 4 लेवल्स मेंटेन करनी है भाई, आप बिल्कुल अगर आपके पास 3 लेवल है ना भाई बिल्कुल तगड़ा प्रॉफिट होगा, रिस्क नहीं होगा। और अगर आपके पास 4 लेवल है भाई कोई पैदा नहीं हो आपको जो जीतने से रोक दे, ठीक है। तो लेवल अप करना बहुत जरूरी है, बाकी अगर आप 5x 10x 20x चक्कर में रहते हो ना तो भाई उनका चक्कर छोड़ दो यार, कभी उन पर प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे स्टेप नंबर 4 के बारे में, आपको परफेक्ट टाइम पे खेलना है, परफेक्ट टाइम होता है। मैं तो बात करूंगा, देखो इस एप्लीकेशन बहुत ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स है भाई, जितने भी एप्लीकेशन है सबसे ज्यादा एक्टिव प्लेयर इसी एप्लीकेशन में, इसलिए मैं इसमें खेलता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो जितने ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स रहेंगे जिस टाइम पे उतना ही ज्यादा गेम के अंदर अमाउंट आएगा, जितना ज्यादा गेम के अंदर अमाउंट आएगा उतना ही ज्यादा रॉकेट ऊपर जाएगा, जितना ज्यादा रॉकेट ऊपर जाएगा उतना ही आप रिस्क फ्री हो जाओगे भाई, ठीक है, और इजिली प्रॉफिट भी कर पाओगे भाई। देखो अगर हम बात करें भाई, वैसे तो नॉर्मली भाई 24 घंटे से एप्लीकेशन में प्लेयर्स एक्टिव रहते हैं, लेकिन हम बात करें कब ज्यादा प्लेयर्स एक्टिव रहते हैं, वो है दिन का टाइम, और रात के 12 बजे तक भी भाई बहुत प्लेयर्स खेलते हैं। तो आपको सुबह के 8-9 बजे के पहले नहीं खेलना, और भाई रात के 12 बजे के बाद नहीं खेलना, बाकी पूरा दिन खेलो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। स्टेप नंबर 5 के बारे में बात करेंगे अभी भाई, जो कि भाई हमेशा टारगेट सेट करके खेलना, क्योंकि भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आपने भाई मैं कहता हूँ 2 के बैठ गया ना, टारगेट बनाओ 3 के करना है, 4 के करना है, 5 के करना है, 6 के करना, जितना भी टारगेट आओगे टारगेट बनाओ, टारगेट कंप्लीट होने के बाद भाई प्रॉफिट बुकिंग कर लिया करो, विदड्रॉ कर लिया करो भाई, 1 सेकंड में आ जाता भाई, कोई दिक्कत नहीं रहती, जितना बिन करो भाई पूरा का पूरा बिनिंग में आ जाता भाई, 1 सेकंड में विदड्रॉ कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको खेलना है भाई फिर से ऐड करो, फिर से नया टारगेट बनाओ और टारगेट ऊपर खेलो भाई, एक बार अगर आपका टारगेट कंप्लीट हो गया ना उसके बाद विदड्रॉ जरूर कर लिया करो, कि कुछ प्लेयर्स गलती करते हैं, उनने 2 के ऐड किया भाई 5 के उनका भाई 10-15
मिनट हो गया, वो सोचता है 15 मिनट मैंने इतना प्रॉफिट कर लिया, अगले 15 मिनट और डिस्ट डबल कर लूँगा और खेलता हूँ, वहाँ लालच करता हूँ, वो लालच आपको बिल्कुल भी नहीं करना। बाकी देखो मैंने लगभग पूरी स्टेप्स रिपीट करते हैं जो कि भाई बहुत बढ़िया स्टेप्स हैं, पूरी रिपीट भी कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1 हमेशा एप्लीकेशन में खेलना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टेप नंबर 2 हमेशा आपको 1.5 स्पेस आउट करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मतलब जितना भी भाई सबसे ज़्यादा सेफेस्ट पैरामीटर है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 हमेशा आपको टाइम पर खेलना है। स्टेप नंबर 4 हमेशा आपको भाई मतलब स्टेप नंबर 4 हमेशा आपको टारगेट सेट करके रखना, और एक स्टेप जो कि अपनी रह गई थी भाई, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि देखो जब भी आप खेलते हो ना भाई, जब भी आप खेलो आपको भाई लेवल अप करके खेलना होता है, ठीक है। तो चलो पूरी स्टेप्स मैंने रिपीट भी कर दिया, तो मैं गेम को इधर ही पे बंद कर दूंगा, बाकी एक बार और खेलता हूँ क्योंकि मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया भाई, लालच में ज़्यादा करूँगा नहीं। बाकी देखो जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको दी हैं उनको फॉलो करके ना बिल्कुल इलेवन करोगे, एप्लीकेशन में ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। बाकी उधर चलो 1.5x मैंने कैसे कर लिया, तो मिलते हैं वीडियो में, जब तक के लिए मेरे भाई जय हिंद जय भारत।